ले अपने फोन में शंटी के पास ही फोन फोन मिकी ना है ले चलो भाई पीछे चलो बाबा जी ऊपर आ जाने पकड़िए फोन पकड़े भाई का पाँच छोड़ मिली सीडी कार्ड लो भाई जो भाई बाकी पीछे जो दर्शन करो पाछो जो भी दर्शन करो पाछो जो जी हेलो दर्शन करो पाछो जो पाछो दर्शन करके हरे 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 चल लो चलो भाई बाकी पाछो चलो चलो जी पाछो चलो हरे 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 Yeah!
महाराज जी की लेवा कहाँ है? इस दुख भरे समय में आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही बोलना चाहते हैं श्रीमान मसिंद्रपुरी जी महाराज का लंबी समय से उनका बड़ा तपस्या भी था, तपस्या का साथ साथ उन्होंने बहुत समाज को बहुत कुछ दिया, समाज को दे करके उन्होंने एक समाज का बीच में धरोहर बन करके आज अपना ब्रह्मलीन हो गए। इस दुख का घड़ी में हम तो ये चाहते हैं संत कभी आत्मा को आता है और जाता है, संत जाता तो खुश होता है, तो उनका एक मुक्ति तो मिल ही गया, वो ब्रह्मलीन का बीच में उनका आत्मा मोक्ष गति प्राप्ति हो, भगत जगत का लिए उसका सदा सर्वदा आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, यही बोलना चाहते। ओम नमो, ओम नमो, हर हर, हर हर। भारत अपना चम कर रही है। चलो
करते रहो, खाना पुष्ट रहो, ज्ञान पुष्ट रहो। पहना दिया है, चुहा छोड़ दिया है, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। तो ये राजनीतिक दल के जो लोग होते हैं, इनका कोई धर्म नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इनकी एक ही सोच थी, कुर्सी थी, कुर्सी है, कुर्सी मिलना चाहिए। तो चाहे अंग्रेजों के खिलाफ बोलना पड़े, चाहे किसी और खिलाफ बोलने पड़े, जिसको अरे अपने माँ बाप को तो यूज करने छोड़ते नहीं है। आप ये तो सोचिए, आपको कहां छोड़ देंगे। इसलिए धर्म यह 80% था, 80% है, और वो लोग जीवन का शुरुआत करते धर्म से। इसलिए धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। ये मेरी प्रार्थना है। और जरा इन संत के बारे में बताएं और आगे की क्या कार्रवाई। हमारे बड़े गुरु भाई श्री मच्छंदरपुरी जी, जो जूना अखाड़े के साथ जुड़े हुए हैं, और हम पूरे सभी संत जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं। हमारे संरक्षक श्री मंत हरिगिरी जी महाराज, हमारे पीर जी जो उज्जैन से पधारे हैं, हमारे गादीपति हैं महाराज जी, श्री महंत, सभी लोग यहाँ विराजमान हैं, और सभी के देख रेख में सब कार्य आज जो है, हमने समाधि का अभी कार्य पूर्ण किया। इसके बाद हमारा धूल रोड जो अभी समाधि पे भोग लगेगा, उसके बाद 6 तारीख को बाबा जी का षोडशी भंडारा, जिसमें पूरे संत आके प्रसाद ग्रहण करेंगे और समाधि पे पुष्प अर्पित करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। उनकी जो समय समय पे उन्होंने कार्य किए हैं, उनका बखान करेंगे, और उनका आशीर्वाद, उनका प्यार सबको मिलता रहेगा। और महाराज जी, हमारे हरिगिरी जी महाराज बाकी विवरण से बताएंगे। अभी उनको महाराज जी जूना अखाड़े के संरक्षक है। ओम परम संसाद ओम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम सुमृणित्य आई कामत सिद्धे। आज हमारे सामने इस पावन धरती पवित्र भगवान, तमाम देवी देवताएं, अनेक ऋषि मुनियों के द्वारा आज तमाम तपोस्थली के परंपरा से, जो स्वयं हम लोग मानते हैं कि गोकर्ण पीठ, जो आप जानते हैं कि हजारों बरस से, लाखों बरस से तमाम परंपराएं ये कायम हुई हैं, और समय समय से भगवान शंकराचार्य जी का अवतार हुआ, इसका जीर्णोद्धार किया और सबको मतलब एकत्रित किया। उस परंपरा पावन से, सिद्ध महापुरुषों कृपा से जन्म लेते रहते हैं। मेरा ये मानना उसी श्रृंखला, उसी परंपरा, उसी व्यवस्थाओं में जन्म लेते रहते हैं, और जन्म लेने के बाद कुछ कार्य करने के बाद, कुछ अपनी परंपराओं का निर्वाह करने के बाद, ईश्वर चिंतन भजन पूजन पाठ करते हुए आदमी जैसे शरीर है, शरीर तो नाशवान है, अरे समय के साथ छूटने छूटना है, पर कुछ ऐसी मनुष्य की चिंतन, मनुष्य का सोच, मनुष्य का जो है कुछ प्रकार का ऐसा हो जाता है जो आने वाला ऐतिहासिक पुरुष बनता है। इस तरीके से आप जानते हैं, इतना भोला भाला रहने के बाद भी सारे भारतवर्ष के अनेक तीर्थों में उनका जो है अनेक प्रकार से लोग जानते थे, और सभी जगह चिंतन करते थे, और तीर्थों कैसे अच्छे सुंदरीकरण किया जा, कैसे तीर्थों का विकास किया जा, कैसे तीर्थों का रखरखाव रखा जा, अनेक प्रकार की उनकी चिंतन, उनकी सोच रहती थी। और इस तरीके से मतलब देश में तमाम उन्होंने मतलब जितने भारतवर्ष हुआ चाहे बाहर अपना विचार व्यक्त करते रहते थे। तो आज हम लोग जो है उनके, जिसको कहते हैं यात्रा, जिंदगी का एक बार जब प्राकृतिक प्रकट होता है, जब जाता है तो उसको यात्रा का, इसी तरह भगवान केदारनाथ की तरह आज उनका प्रस्थान परसों हो गया। वो स्वयं कैलाश के लिए आरोप प्रस्थान कर गए। ये नियम है शिव पुराण के आधार पे कि सन्यासी महादेव से निकलता है, महादेव में समा जाता है। तो महादेव से उनका निकला हुआ था, महादेव के अंश से वो पैदा थे, और महादेव में ही
अपना मतलब जब जरूरत होती महादेव को, वो अपने सेवादारों को अपने अंदर ले लेते हैं, जब उनकी इच्छा होती है तो अपने सेवादारों को सेवा करने के लिए कहीं भी पठा देते हैं। ऐसे सानू महाराज जी जो थे उनकी सेवा पूरे जो था मृत्युलोक में वो समाप्त हुई और उन्होंने मतलब जो है हम शिव जी की सेवा में शिव जी में जाके लीन हो गए हैं, इसलिए हम लोग कैलाश वास के नाम मानते हैं। तो आज उनका जैसे महाराज श्री ने बता ही दिया सारा वर्णन आपको कि आज जो व्यवस्थाएं क्या क्या हुई, क्या क्या परंपराओं का निर्वाह किया गया। अब सोलसी भंडारा के एक जो 6 तारीख बन रहा है सवेरे सवेरे 10 बजे, 10 बजे का महाराज श्री का हुक्म है कि यहाँ पे श्रद्धांजलि समारोह और श्रद्धांजलि समारोह होगा और अनेक प्रकार की सिद्धों कृपा होती है कि अनेक जगह आप देखेंगे तमाम वाद विवाद होता है, यहाँ कोई वाद विवाद नहीं है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है और ये निर्विघ्न रूप से श्रद्धांजलि समारोह होगा और सभी लोग ईश्वर का ध्यान रखते हुए देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे कि उन्हें जल्दी हमारे बीच में फिर शिव जी महाराज सेवा उन्हें करने के लिए भेजे, किसी न किसी रूप में आवे। तो श्रद्धांजलि समारोह के बाद सब लोग शामिल होंगे और उसके बाद फिर जो है जो परंपराओं के हिसाब से जिसको अंत्येष्टि कहते हैं, सोलसी कहते हैं, सिर्फ भाषा का अंतर है और वो आयोजन होगा। आयोजन होने के बाद जो मतलब है इसी तरीके से अभी भी जैसे रहेगा कि हम लोग को जैसे यहाँ भाग लेने वाले नासिक से लोग आए हैं, नासिक